बरमुल्लापुर गांव के जंगलों में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कन्नौज के छिबरामऊ थाना क्षेत्र के करमुल्लापुर गांव के जंगलों में घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम के साथ शनिवार की देर रात करीब 3 बजे बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस द्वारा इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि इन्हीं बदमाशों द्वारा 29 जुलाई की रात को छिबरामऊ के व्यापारी के पुत्र को गोली मारकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए शिकारा निवासी रविदास को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने बदमाशों के पास से डकैती में प्रयुक्त कार भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश कई जिलों में डकैती की घटना को अंजाम दे चुके हैं। कन्नौज से जिला संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज। थाना छिबरामऊ क्षेत्र के सिकंदरपुर में कुछ दिनों पहले एक व्यापारी के घर में घुसकर के उसके बेटे को गोली मार दी गई थी और अन्य परिवारजनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इस पूरी घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है, जिसमें अभियुक्तों को एक पुलिस मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार किया गया। इसमें रविदास उर्फ करिया, जो कि एक हिस्ट्री सीटर है एवं उसका एक लंबा आपराधिक इतिहास है, इसे के पैर में गोली लगी है एवं इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अतिरिक्त अनिल राजपूत और इदरीस नाम के 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 तमंचे, मय कारतूस के एवं घटना में प्रयुक्त होने वाली होंडा सिटी कार बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त इनके पास से 36,000 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं। इस घटना का को अनावरण करने और टीम को गिरफ्तार करने वाली टीम, जिसमें विनोद मिश्रा प्रभारी निरीक्षक छिबरामऊ, रंजीत राय प्रभारी स्वाट टीम और उप निरीक्षक विक्रम सिंह स्वाट टीम शामिल हैं। इन सभी को मनोबल बढ़ाने के लिए पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।